नमस्कार दोस्तों, लोकसभा से विपक्ष के 15 सांसदों को निलंबित किया गया। बता दें, आज राज्यसभा और लोकसभा में कल हुई सुरक्षा में चूक पर जमकर हंगामा हुआ। संसद की सुरक्षा में चूक मामले में विपक्षी सांसद गृह मंत्री के बयान और आरोपियों के पास जारी करने वाले बीजेपी सांसद के खिलाफ एक्शन की मांग कर रहे थे। इसी मांग को लेकर कांग्रेस सहित विपक्ष के 15 सांसदों ने संसद में जमकर हंगामा किया, जिसके बाद कांग्रेस के 9 सांसदों सहित 15 सांसदों को निलंबित कर दिया गया। इन सांसदों के निलंबन पर कांग्रेस ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। बता दे, जिन 15 सांसदों को संसद से निलंबित किया गया है, उनमें से 9 कांग्रेस के, 2 सीपीएम के, 2 डीएमके और 1 सीपीआई पार्टी से हैं। कांग्रेस के जिन सांसदों को सस्पेंड किया गया है, उनमें टीएन प्रतापन, डीबी इडेन, एस ज्योतिमणि, रम्या हरिदास और डीन कुरिया को शामिल है। इसके अलावा कांग्रेस के ही मणिकम टैगोर, बीके श्रीकंद पर भी कार्रवाई की गई है। यही नहीं, राज्यसभा में टीएमसी के सांसद डेरेक ओब्रायन को भी निलंबित किया गया है। इन सभी सांसदों को संसद की सुरक्षा में चूक के मसले पर हंगामा करने और अमर्यादित व्यवहार करने के आरोप में निलंबन झेलना पड़ा है। राज्यसभा में भी सुरक्षा में चूक पर जमकर बवाल हुआ। कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने तो सीधे होम मिनिस्टर से ही मांग की कि वे सदन में आकर बयान दें, यह सब कैसे हुआ और आगे ऐसी घटनाओं से बचाव के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं। लोकसभा राज्यसभा से निलंबित किए गए सांसदों को लेकर कांग्रेस ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। कांग्रेस ने ट्वीट करते हुए लिखा है कि लोकसभा में कांग्रेस के सांसदों को सस्पेंड कर दिया गया। इसका गुनाह है कि लोकतंत्र के मंदिर में ये जनता की आवाज उठा रहे थे, मोदी सरकार से तीखे सवाल पूछ रहे थे, कल ही संसद की सुरक्षा में सेंध लगी, इस पर सवाल करना गुनाह है, बजाय सरकार इस चूक पर जवाब दे, सवाल उठाने वाले सांसदों को ही सस्पेंड कर दिया गया। कांग्रेस ने आगे लिखा कि सब जानते हैं मोदी सरकार सवालों से भागती है और सवाल करने वालों का दमन करती है, ताजा कार्रवाई इसी बात का नमूना है, लेकिन मोदी सरकार ये जान ले, कांग्रेस ऐसी हरकतों से डरने वाली नहीं है, हम सरकार से सदन तक जनता की आवाज बुलंद करते रहेंगे। कांग्रेस ने आगे लिखा कि न डरे हैं न डरेंगे, लड़ेंगे और जीतेंगे। वहीं सांसदों के निलंबन मामले में कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी ने भी तीखी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में अगर आवाज नहीं उठाई तो सदन में बैठने की क्या जरूरत है। कल पूरी दुनिया ने देखा कि 2 लोग बीजेपी सांसद द्वारा बनाए गए पास पर अंदर आए, अगर वो स्मोक बम की जगह कुछ होता तो। आज संसद की सुरक्षा का सवाल है और अगर हम मांग कर रहे हैं गृह मंत्री जी अपना वक्तव्य दें, ऐसे में डेरेक ओब्रायन समेत सभी लोगों की मांग जायज है, लेकिन आप हमें अपनी बात रखने भी नहीं दे रहे हैं। सरकार के ही प्रस्ताव पर उन्हें निकाला गया और मैं इस पूरे मामले में सरकार को दोषी मानता हूँ। इस शीतकालीन सत्र से निलंबित किए गए सांसदों ने अब संसद के अंदर ही अपना विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया है। सस्पेंड किए गए सांसदों ने अपने निलंबन को लेकर सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की।